और मैं 15 दिन के अंदर में 1 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर लिया। अभी तक आपको यूट्यूब से अर्निंग हुई क्या, शॉर्ट्स फंड या कुछ मिला? आप कितने वीडियो डेली के अपलोड करते हो? तो अभी आपको ये बताइए कि आप शॉर्ट्स किस टाइम अपलोड करना चाहिए। आपको ऐसे यूट्यूबर से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने मात्र 15 दिन में अपने चैनल पर 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए और आज यूट्यूब से बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा रहे। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि बहुत ही कम समय में अपनी शॉर्ट्स वीडियो को वायरल कैसे किया जाता है और यूट्यूब से अपना चैनल ग्रो कैसे किया जाता है। तो वीडियो में बने रहना शुरू से एंड तक, तभी आप सीख पाओगे कि शॉर्ट्स वीडियो को वायरल कैसे किया जाता है और शॉर्ट्स वीडियो को वायरल करने के लिए क्या ट्रिक लगे जाते हैं। तो वीडियो में बने रहना एंड तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन करता हूँ आपसे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप एक मेहनती यूट्यूबर हो और एक एक सब्सक्राइब की कीमत आप जानते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आइए आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। जी जी, तो भाई सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या नाम है, आपके चैनल का क्या नाम है, आप कहाँ से हो? जी मेरा नाम अंकेश आनंद है और मैं बिहार के एक छोटे से जिला अररिया का रहने वाला हूँ। मेरा चैनल का नाम है एनिमेशन विला। अच्छा अच्छा, अभी उस पर कितने सब्सक्राइबर हैं? अभी टोटल 13 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 13 लाख, तो 13 लाख सब्सक्राइबर करने में आपको कितना टाइम लगा, आपने कितना स्ट्रगल किया, आपने कितनी मेहनत की, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए हम अपना चैनल को स्टार्ट किए थे 1 जनवरी 2022 में और मैं 2 महीने लगातार वर्क किया, जो कि मैं उस टाइम में 2 महीने करीब वर्क करने के बाद मैं 2000 सब्सक्राइबर को गेन कर लिया था। फिर उसके बाद व्यूज़ डाउन हो गए तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दिया और सितंबर में मैं वीडियो बनाना फिर से स्टार्ट किया तो मैंने एक वीडियो अपलोड की जो कि 1 आवर में ही 8000 चले गई। तो उसी तरह मैंने फिर से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया और सितंबर में मेरा चैनल बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ और मैं 15 दिन के अंदर में 1 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तो भाई आपको यूट्यूब पर आने का ख्याल कैसे आया, मतलब कि यूट्यूब पर जाऊंगा, यूट्यूब पर पैसे हैं, तो वो आपको ख्याल कैसे आया कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगा? मैंने बहुत सारा यूट्यूबर का वीडियो देखा था कि यूट्यूब से पैसे कमाया जाता है और यूट्यूब से मतलब कि यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी टाइम में ग्रो होने का एक ही तरीका है कि आप शॉर्ट्स बनाइए और शॉर्ट्स से आप बहुत ज़्यादा मतलब कि जल्दी से पैसे भी अर्न कर सकते हैं और आपके चैनल भी ग्रो हो सकते हैं। तो मैंने बहुत सारा यूट्यूबर का वीडियो देखा था तो इसी तरह मुझे दिमाग में ख्याल आया कि मैं भी क्यों ना यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं, शॉर्ट्स वीडियो बनाऊं, जिससे मेरा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए। हाँ, शॉर्ट्स चैनल में जल्दी ग्रो हो जाता है चैनल। तो भाई अब ये बताइए कि आप जो ये वीडियो बनाते हो ये किस टाइप का वीडियो बनाते हो, आप किस कैटेगरी में आता है ये? जी भाई मेरा ये कैटेगरी है कार्टून से रिलेटेड फैक्ट बताना, यानी कि कुछ भी कार्टून के बारे में ही बताना है मुझे, यही मेरा टॉपिक है और यही मेरा कैटेगरी है, कार्टून के बारे में ही फैक्ट बताना है मुझे। जी जी, तो ये आप कहाँ से लाते हो, मतलब किस तरीके से अपलोड करते हो, कहाँ से लेते हो, आपको स्ट्रेक नहीं है, स्ट्रेक आया तो आपने क्या किया? जी मैं यूट्यूब से ही अपने वीडियो को लेता हूँ, यानी कि डाउनलोड करता हूँ और मैं अपलोड यूट्यूब से ही अपलोड करता हूँ और मुझे कोई भी स्ट्राइक नहीं पड़ती है। आपको बता दें कि स्ट्राइक मुझे पड़ी थी, ठीक है, 2 स्ट्राइक मिल गई थी क्योंकि मैंने दूसरों की वीडियो को डाउनलोड कर लिया था और उसी का वीडियो अपलोड कर दिया था, इसलिए मुझे स्ट्राइक मिली थी। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपने उसको वापस ठीक कर दिया? हाँ मैंने उससे बहुत सारा रिक्वेस्ट किया, मतलब कि वो मुझे जानते भी थे इसलिए उससे मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया तो वो भाई मेरे स्ट्राइक वापस ले लिए थे। अच्छा अच्छा, तो आप ये वीडियो किस कैटेगरी में रखते हो, एजुकेशन में रखते हो, मतलब कार्टून में किस में रखते हो, बताइए? नहीं नहीं, मेरा कैटेगरी एजुकेशन नहीं है, ये मेरा कैटेगरी कार्टून एंड एनिमेशन, नहीं तो आप ब्लॉग्स एंड पीपल एंड ब्लॉग रखिए या तो कार्टून एंड एनिमेशन रखिए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। तो अब ये बता दीजिएगा आगे कि आपको कितनी ज़्यादा अर्निंग हुई है, आपने क्या जी के आपको अर्निंग हुई है कि नहीं हुई है वो आप आगे बता दीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि आपको अच्छा लगता है, मतलब काम करने में आपको अच्छा लगता है, आप कितने वीडियो डेली के अपलोड करते हैं? जी हाँ भाई, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि YouTube पे मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, मैं भी वीडियो बनाता हूँ और मैं अभी वीडियो दिन में 2 अपलोड करता हूँ और मेरी अच्छी खासी व्यूज़ भी जाती है। मैं सोचता हूँ कि डेली 3 करूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं पढ़ाई भी करता हूँ, इसलिए मुझे मैं लगातार 2 वीडियो तो अपलोड करता हूँ दिन में।
जी जी, तो आप ये काम करते हो, आपके घर वालों का सपोर्ट है कि मतलब क्या वो घर वाले कुछ बोलते हैं ये मत करो ये मत करो, क्या फोन में लग रहे, तो ये सपोर्ट है बनाए रखते हैं ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरे परिवार मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उन सब के वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। चलो तो अच्छी बात है, घर वाले सपोर्ट करते हैं तो बस आप भी काम कीजिए। और भाई मेरा चैनल जो अभी इतना ज़्यादा ग्रो हुआ है ना, इसके पीछे मेरा भाई का बहुत ज़्यादा हाथ है, वो अगर नहीं होते, मुझे गाइड नहीं करते तो मेरा आज इतना बड़ा चैनल नहीं हो पाता, और मुझे वो अगर सही रास्ते नहीं बताते, सही तरीके से कैसे वीडियो बनाया जाता है वो नहीं बताते, तो आज मेरा चैनल इतना बड़ा हो ही नहीं पाता। जी जी भाई जी, तो आप ये जो वीडियो अपलोड करते हो उसमें टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कुछ स्पेशल लगाते हो कि आपकी वीडियो यार इतने वायरल कैसे हो जाती है? बहुत कुछ जो है ज़्यादा दिन से ट्राई कर रहे हैं, इतने दिन से ट्राई कर रहे हैं, उनकी तो होती नहीं है। आप ये 10 दिन में 15 दिन में 1 मिलियन लेके बैठ गए यार, क्या लगाते हो स्पेशल टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन? देखिए छोटा यूट्यूबर जो होता है ना, वो क्या करता है कि अपने टाइटल को कैची टाइप नहीं बताता है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे लिख देता है जिससे लोग बोर हो जाता है और उसका कैची टाइप नहीं बन पाता, ठीक है? उसे होता है क्या, जो कि कोई भी अगर आपका टाइटल पढ़ा तो उसको वो अच्छा चीज़ नहीं मिलती है जो वो खोजने आया, यानी कि उसको अच्छा ही नहीं लगता है। तो सबसे पहले तो आपको टाइटल कैंची टैग बनाना है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा कुछ नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा टैग भी नहीं लगाना है अपना, मतलब कि कुछ ऐसा बताइए जो वीडियो से रिलेटेड करता है, और अपने मतलब कि दूसरा वेबसाइट है इंस्टाग्राम है तो उसका लिंक दे सकते हैं, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन में मात्र 5 से 6 हैशटैग लगाइए जो कि डिस्क्रिप्शन में लगाना चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि फुल होता है अपने वीडियो को ग्रो करने में। और टैग में बात रही तो टैग में अपने चैनल का टैग लगाइए और 5-6 टैग लगा दीजिए, आपको जितना मन है टैग लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वीडियो में इम्पोर्टेंट है टैग लगाना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपको लंबे टाइम तक व्यू चाहिए तो आपको जो है टैग लगाना ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर क्या करते हैं कि टैग नहीं लगाते हैं, ये मैं रिकमेंड करूँगा आपके ऑडियंस को कि टैग लगाना चाहिए, अगर आपका वीडियो अगर लंबे टाइम तक अगर आपको मतलब कि व्यू लाना है तो आपको जो है टैग लगाना ज़रूरी है। वीडियो रैंक करने, तो आप कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि यार शॉर्ट्स में टैग कुछ मैटर नहीं करता, डिस्क्रिप्शन कुछ मैटर नहीं करता, तो आपकी वीडियो को सर्च में भेजने के लिए, आपकी वीडियो को शॉर्ट वीडियो में भेजने के लिए तीनों बहुत ही जी जो है जरूरी है। इससे होता है क्या, जो भी बंदा आपके अगर वीडियो को सर्च करता है, मान लीजिए वो लॉन्ग देखने के लिए सर्च किया, ठीक है, तो उसमें अगर आपकी वीडियो शॉर्ट फीड में अगर मतलब कि शो हो रहा है तो वो क्या करेगा कि लॉन्ग से पहले आप ही की वीडियो देखेगा, तो इससे लंबे टाइम तक व्यू आपके वीडियो पे आते रहेंगे। जी बिल्कुल, हाँ वो शॉर्ट से लॉन्ग से ज्यादा शॉर्ट्स देखने हैं। जी अभी क्या हो रहा है कि लॉन्ग वीडियो देखना लोग पसंद नहीं करते हैं, सब शॉर्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। हाँ ये बात आपने बहुत ही करेक्ट कही है। तो अभी आपको ये बताइए कि आप शॉर्ट्स किस टाइम अपलोड करना चाहिए? ठीक है, कुछ लोग होते हैं शाम को अपलोड कर देते हैं या सुबह को अपलोड कर देते हैं, दिन को अपलोड कर लेते हैं, मतलब किस टाइम शॉर्ट्स को अपलोड करना चाहिए कि उनके अच्छा खासा व्यूज आ जाए? जी देखिए शॉर्ट्स अपलोड करने के मैं जो अपलोड करता हूँ वो 2 टाइम अपलोड करता हूँ, एक सुबह में और एक शाम में। ये इस दोनों टाइम में अपलोड करने से ये होता है कि एक सुबह में कि आदमी अपने घर में रहता है, ठीक, तो उससे होता है क्या आप जैसे ही वीडियो अपलोड किए तो उनके पास चले जाता है जो आपके मतलब देखना पसंद करते हैं। अगर आप गलत टाइम में अपलोड करते हो, 12 बजे 1 बजे करते हो, तो वो उस टाइम में आदमी बिजी हो जाता है। शाम को इसलिए अपलोड करना चाहिए काहे कि शाम में जो है सब अपने अपने ऑफिस या अपने काम से घर पे बैठ जाते हैं, उससे होता है क्या आपके वीडियो जैसे ही वो ओपन किया तो यूट्यूब तो आपकी वीडियो आ जाती है तो वो देख लेता है। अगर मान लीजिए आप गलत टाइम पे अपलोड कर देते हो तो उससे क्या होगा कि अगर आदमी देखता भी है वीडियो आपके आ रहा है उसके सर्च में तो भी वो वीडियो नहीं देखा क्योंकि वो अपने काम में बिजी है। इसलिए मैं 2 ही टाइम अपलोड करता हूँ, शाम और सुबह। यूट्यूब रिकमेंड करेगा लेकिन वो फ्री नहीं होगा तो देखेगा कहाँ से? तो आपको देखने की ऑडियंस किस टाइम, आपके टाइप की जो ऑडियंस है वो किस टाइम फ्री रहती है? तो आपके टाइप की जो है वो बच्चे देखते हैं या जो कि बड़े देखते हैं और घरेलू लोग देखती है, तो वो किस टाइम फ्री रहती है वो तो आपको देखना है ना? हाँ जी, वहाँ पे यूट्यूब में अपने रहता है कि आपको यूट्यूब खुद बताता है कि आपकी ऑडियंस कब एक्टिव रहती है। जी 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 हाँ, वो बताती है बिल्कुल बिल्कुल। और 2 से 3 बार आप 2 से 3 दिन ऐसे ट्राई करो, अलग अलग दिन अपलोड करो, तो अलग अलग टाइम पर अपलोड करो, तो वो भी अपने आपको पता चल जाता है कि यार किस टाइम ज़्यादा व्यू जा रहा है ना? तो बस यही आपके अभी तक आपको YouTube से अर्निंग हुई क्या, शॉर्ट्स फंड या कुछ मिला?
जी भाई, मुझे दो शॉर्ट्स फंड मिल चुके हैं अभी तक में, अगले महीने का और उससे भी अगले महीने का। मुझे अगले महीने मिला था $50, उससे अगले भी मिला था $50। इस महीने देखता हूँ कितने डॉलर मिलते हैं, मतलब कि इस महीने हो सकता है $150 या $200 करीब मिल सकता है मुझे। तो देख रहे हो गाइस कितने ज़्यादा ये पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। और अभी इनका शॉर्ट भी मोनेटाइज हो जाएगा आगे, और ये बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। तो आपको भी ट्रिक बता दी है क्या क्या करना है आपको, ठीक है। टाइटल डेस्क डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या ध्यान रखना है तो आपको भी बता दिया है, और आप ट्राई करते रहिए, आपकी शॉर्ट वीडियो ज़रूर वायरल हो जाएगी, है ना जी भाई। अगर देखिए कोई बंदा नया आता है तो वो होता है क्या उसके साथ कि वो एक वीडियो डाला और सोचता है कि मेरी वीडियो वायरल हो जाए, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी इतना ज़्यादा वायरल ऐसे ही नहीं हो गया हूँ, मैं 2 साल से YouTube पे ट्राई किया, YouTube पे 2 साल से मेहनत किया तब मुझे ये सक्सेस मिला है। मेरे 2 चैनल इधर भी, मतलब कि मेरे 2 चैनल पहले बनाए थे वो मेरा फ्लॉप हो गया, और ये तीसरा है जिस पर मैंने वर्क किया अच्छे तरीके से और कुछ कुछ टिप्स ट्रिक लगाएं जिससे मेरी चैनल वायरल हुई है। ऐसा कोई बात नहीं है, एक वीडियो और वायरल हो गया। तो आपको YouTube पे ग्रो होने के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पेशेंस और आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा यार, है ना जी। जी टाइम नहीं दीजिएगा तो आप कैसे हो सकता है, ये जरूरी नहीं। पैसा बहुत अंदर की बात है, पैसा कमाना है तो टाइम देना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने बहुत ही गहरी बात कह दी भाई, और आई होप ऑडियंस समझ भी गई होगी, ठीक है। और भाई को भी सपोर्ट कीजिएगा, भाई के चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और भाई को भी मेंशन किया है, तो भाई को भी जाके फुल सपोर्ट कीजिएगा। और भाई से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और आप भी बहुत कुछ सीख पाए होंगे इस वीडियो से। अगर आपको कुछ भी सीख मिली है तो वीडियो को एक लाइक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको पता है मैं YouTube से रिलेटेड ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब के लिए जय हिंद, टाटा बाय बाय।